छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई की सड़कों को दुरुस्त करने की दिशा में निगम भिलाई तत्परता से इस पर अमल कर रहा है। सड़कों को सुधारने की दिशा में मिले निर्देश के बाद से भिलाई की सड़कों का संधारण एवं मरम्मत कार्य किया जा रहा है। अब हिचकोले खाते हुए गड्ढों से राहगीरों को निजात मिलेगी। भिलाई की बहुत सी सड़कें दुरुस्त की जाएंगी। प्रारंभिक रूप से सड़कों के मरम्मत एवं संधारण के लिए भिलाई के 7 प्रमुख सड़कों का चयन किया गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सड़कों के संधारण एवं मरम्मत की दिशा में भिलाई निगम ने त्वरित कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। विगत दिनों महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सड़क मरम्मत एवं संधारण के कार्य का निरीक्षण किया था। सड़कों की मरम्मत एवं संधारण के लिए विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सड़कों को ठीक करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सड़कों को सुधारने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बारिश की वजह से कई सड़कों के कार्य अधूरे रह गए थे, उन्हें भी पूर्ण किया जाएगा। सड़कों को ठीक करने के लिए निगम प्रशासन गंभीर है और इस दिशा में निगम कार्य कर रहा है। देखिए, सड़कों का संधारण का काम बारिश से पूर्व किया गया था। इसके बाद में कई सारे ऐसे जो काम थे बारिश के बाद में हो सकते थे, बारिश के दौरान में नहीं हो सकते थे, उनको लेकर के जो अभी अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत में जो सड़क मरम्मत है और सड़क संधारण का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नगर निगम इस पर त्वरिता से अमल कर रहा है। माननीय विधायक महोदय, महापौर जी और आयुक्त महोदय ने संयुक्त रूप से सुभाष चौक में भूमि पूजन करके और कार्य को शुभारम्भ कराया है, पूजा अर्चना करके। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो भिलाई निगम क्षेत्र में है, उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका अवलोकन और जायजा भी माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय कई तरह से लिए हैं। अभी सड़कों को सुधारने की दिशा में जो है समस्त जोन आयुक्त को माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया हुआ है। सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए निगम ने सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है, जिसके बाद से अधिकतम संसाधनों के माध्यम से सड़क रिपेयर का काम किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।